We are discussing about G20. और G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 का मतलब कि 20 देशों का एक समूह है। 20 में के मतलब 19 कंट्रीज है इसमें, 90 और प्लस वन यूरोपियन यूनियन है। इस तरह से हमारा इक्वल हुआ 20 G20। और G20 में जो सेशन हुआ है, जो बैठक हुई है सिटिंग इंडिया में, वो हुई हमारी 18वीं बैठक। याद रखना 18th बैठक हुई है भारत के अंदर। 20 इसमें क्या है मेंबर है, 19 कंट्रीज हैं। इंपोर्टेंट रहता है कंट्री कितनी है, तो 19 मेंशन करना है। और यूरोपियन यूनियन ओनली वन है, तो इस हिसाब से 20 होते हैं। और 20 मीन जो 20 G20 बैठक थी वो 18वीं बैठक हुई और वो हुई हमारी भारत मंडपम। और भारत मंडपम किसका नया नाम है, ये है प्रगति मैदान का। ये नाम प्रगति मैदान का है, प्रगति मैदान इज नाउ भारत मंडपम। ठीक, भारत मंडपम मतलब न्यू दिल्ली। कंडक्ट होती है G20 की मीटिंग नई दिल्ली में। बढ़िया तरीके से भारत देश एक इनक्रेडिबल मीटिंग का भागीदारी मतलब पार्टिसिपेट और साथ में चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न कर दी जाती है दिल्ली के अंदर। और ये जो बैठक है वो लगभग 9 सितंबर से शुरू हो जाती है, 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर। मेहमानों का आना जाना तो दिल्ली में लगभग 10 दिन पहले से तय हो चुका है और 10 दिन पहले से G20 का रंग पूरी दुनिया में दिखने को मिला भारत के अंदर। गाइस याद रखना, ठीक है, ये डेट कंफर्म है हमारे 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर। बैठकें 2 दिन होती हैं, बैठक 2 दिन चलती है और सिलसिला इनका G20 में आने का लगभग मतलब तैयारियां हैं इनकी वह लगभग 2023 से ही शुरू हो जाती हैं। जो जब 2023 शुरू होता है मंथ और ईयर हमारा, तो 2023 से बैठकें जारी होती हैं हमारे अलग अलग शहरों में और अलग अलग हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें ऑर्गेनाइज मतलब होती रही। क्यों? क्योंकि G20 की बैठक हमारी उसमें चेयर नहीं किया गया, मतलब अध्यक्ष साहब की द्वारा नहीं की गई बैठक का मतलब क्यों, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इस तरह से बैठकें क्यों ही पहले, क्योंकि इंडिया का कल्चर, इंडिया की आर्ट, इंडिया का लिटरेचर को बताना जरूरी था G20 में। ठीक है, G20 की बैठकें पहले भी हुई है, 200 बैठकें इंडिया में हुई है, 200 सिटिंग ऑलरेडी चलती रही, मतलब अब तक G20 की जो बैठकें हुई है वो 200 सिटिंग हुई है। और इंडिया में 2023 से ही बैठकें अलग अलग शहरों में हुई है। गाइस याद रखना, वेरियस सिटीज में सिटिंग होती रही है। जैसे लाइक कौन कौन से शहरों में बैठक हुई, वाराणसी में मतलब बैठकें हो रही हैं, अध्यक्षता नहीं हो रही है, बैठकों में हम लोग इंडिया के बारे में बता रहे हैं, इंडिया की आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और वहाँ का पूरा मतलब सांस्कृतिक चीज़ें इंडिया के बारे में, टेम्पल्स और यहाँ की भूमि को हमने दर्शाया इसमें G20 में। मतलब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सेक्टर को हमने G20 के माध्यम से बताया। हमारा खेल ये नहीं कि 2 दिन में ही हमने बैठक कर ली, बैठक की अध्यक्षता पीएम द्वारा कर ली गई और 2 दिन में सब खत्म कर दिया। G20 भारत में शुरू हो गया था 2023 से ही शुरू हो गया था, जब हमें पता चला कि भारत देश सितंबर में G20 होने जा रहा है, उसकी अध्यक्षता करेगा। तो हमें पता तो पहले ही चल गया था, इसलिए शुरुआत 2023 से ही हमने डिस्कस कर लिया कि G20 भारत के पहले विभिन्न विभिन्न शहरों में कराया जाएगा। तभी हम लोग फोकस करेंगे और 2 दिन की सिटिंग करेंगे और सिटिंग की चेयर होगी मतलब अध्यक्षता करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो याद रखना है ये सीक्वेंस 2023 से शुरू हुआ है। जैसे कि लाइक कहाँ कहाँ सर,
हो चुकी है वाराणसी, ऋषिकेश, ऋषिकेश मुंबई, मुंबई में भी बैठी हुई, ठीक है, ग्वालियर में भी बैठी हुई, ग्वालियर, श्रीनगर में भी बैठी हुई। इस तरह से हमने G20 जो बैठकें हुई वो विभिन्न शहरों में इंडिया के में ऑर्गेनाइज की, लेकिन यहाँ पे अध्यक्षता नहीं की किसी ने भी, बस बैठकें हुई और इस बैठक में हमने शो किया अपने भारत के आर्ट एंड कल्चर को, बताया था कि भारत किस तरह से तैयार है G20 की अध्यक्षता करने के लिए नई दिल्ली में। तो हमने यहाँ पर एक तरह से एग्जाम्पल क्रिएट किए और वो एग्जाम्पल कहाँ फिट हुए हमारे, जब हमारा सेप्टेम्बर में प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 की क्या करते बैठक करते हैं, इनक्रेडिबल बैठक होती है जिसमें डिसाइड किया गया था G20 का खर्चा 950 करोड़। अब 950 करोड़ से बढ़कर ये खर्चा हो जाता है भारत में 4100 करोड़ रुपए का खर्चा, और ये अब तक की G20 की बैठक में सबसे बड़ा खर्चा एक तरह से नोट किया गया है भारत सरकार के, मतलब भारत सरकार के लिए 4100 करोड़ का बजट तय किया गया तो इतना, लेकिन खर्चा ऐसा 4100 करोड़ रहा यहाँ पर। अब G20 में जो मेन मेन काम होंगे, एक तो रहा हमारा फ्यूल, इस पर भी काम किया गया, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स प्राइस, याद रखना इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर्स, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, ये तीन, इसे कहते हैं ट्रिपल एफ। इस पे फोकस किया गया G20 का, याद रखना हम सबको पता है G20 का एक तरह से एक स्लोगन है, एक नारा है, स्लोगन है वन अर्थ, बहुत अच्छा स्लोगन। इस स्लोगन का सारे देशों ने मतलब प्रशंसा की है कि हम एक पृथ्वी है, एक भविष्य है, एक परिवार है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, बहुत अच्छा एक स्लोगन है, ऐसा स्लोगन, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को एक ही मतलब उसमें सूत्र में बांधा जा रहा है, कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं किसी प्रकार का, फॉर ह्यूमैनिटी के लिए G20 को कंडक्ट किया गया था इंडिया के अंदर। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम हमको पता ही है, हमारी थीम वसुदेव कुटुंबकम, थीम का नाम याद लिख सकते हैं वसुदेव, अंग्रेजी का वर्ड है याद रखना वसुदेव कुटुंबकम, ये थीम रही, स्लोगन हमारा ये रहा। और G20 की जो चेयर बाई यहाँ लिख लेते हैं चेयर बाई पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं G20 में। इतने सारे पॉइंट्स हमने बताए हैं और आप भी साथ साथ लिखते जा रहे होंगे, फूड है, फ्यूल है, फर्टिलाइजर्स है, इस पर ज़्यादा फोकस किया। अगर हम इससे अलग की बात करें कि इसके अलावा और किस किस पे फोकस किया गया, जैसे अदर्स में हम बात करें, जैसे आतंकवाद पर भी फोकस किया गया, आतंकवाद मतलब टेररिज्म पर भी फोकस किया गया था, साइबर क्राइम पर भी, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ साइबर क्राइम पर भी फोकस किया गया गाइस, और हेल्थ पे भी फोकस किया गया, हेल्थ, ठीक है, आतंकवाद, साइबर क्राइम, हेल्थ, एनर्जी, ये सेक्टर्स भी G20 में डिस्कस हुए हैं, ये सेक्टर भी G20 में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, टेररिज्म, साइबर क्राइम्स, हेल्थ, एनर्जी, इन पर G20 में डिस्कस हुआ है। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 की अगली अध्यक्षता करने का चांस दिया है ब्राजील को, याद रखना अगली अध्यक्षता ब्राजील को दिया है, ब्राजील के जो पीएम है वहां पे, जो सॉरी राष्ट्रपति हैं वो है डी लूला, उनको एक कहते हैं ऑर्डर होता है, ऑर्डर वाली क्या जो छड़ी है उनको पकड़ाई और कहा कि अब अगली अध्यक्षता G20 की कहाँ होगी, ब्राजील के अंदर होगी। और एक और संबोधित किया था पीएम साहब ने G20 में एक बढ़िया मतलब ये अफ्रीकन यूनियन को भी परमानेंट मेंबरशिप बनाया है, याद रखना G20 अब क्या बन गया है, G21 बन गया है।
तो ये क्वेश्चंस हमारे इम्पोर्टेंट्स रहेंगे हर एग्जाम्स में, याद रखना। G20 इज नाउ, अब हो गया है G21, क्योंकि पीएम साहब ने अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। लगभग अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं, मतलब कितने देश हैं, 55 देश हैं अफ्रीका में, 55 देश हैं। तो अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है G20 के अंदर, इसलिए G20 अब क्या बन गया है, G21। तो गाइस G21 की जो अगली बैठक होगी वो होगी हमारी ब्राजील के अंदर। ये भी संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कि G21 की बैठक ब्राजील के अंदर कंडक्ट की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे के सारे, याद रखना है यहाँ पर। और हम अगर बेसिक की बात करें, कुछ और टर्म की बात करें कि यहाँ पर नोट करके हम पॉइंटों को लिख सकते हैं और भी कि G20 की पिछली बैठक कहाँ हुई थी, तो हम बता सकते हैं आपके बाली में हुई थी। बाली पड़ता है इंडोनेशिया में, क्योंकि हमारे यहाँ जो बैठक हुई वो 18वीं बैठक थी और बाली में जो हुई थी वो 17वीं बैठक हुई थी। गाइस याद रखना 17वीं बैठक बाली में हुई थी, ये नोट कर सकते हैं। मतलब जो प्रीवियस बैठक थी वो बाली में थी और जो अभी जो बैठक हुई है 18वीं वो कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। अब जो 19वीं बैठक होगी, 19th जो सिटिंग होगी वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगी, वो ब्राजील के अंदर ऑर्गेनाइज होगी, मतलब वहां पर मीटिंग होगी। याद रखना है G21 की बैठक वहां पर होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने देश अब G21 में हो गए, तो हम देश तो हम वही लिखेंगे कि 19 हैं, लेकिन कितने अब यूनियन हो गए, क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनियन 2 हो गए, पहले 1 था अब यूनियन 2 हो गए। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कंट्री सेम है लेकिन 2 यूनियन हो चुके हैं, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, तो इक्वल 21 ये हो गए हमारे। अब G20 किस पे बात करता है, मैंने बता दिया आपको, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर्स टेररिज्म साइबर क्राइम हेल्थ एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रिसर्च पर कैपिटल इनकम, ये सब कुछ देखता है G20 और पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग को भी, मतलब पूरी तरह से सजेशन देता है। ग्लोबल वार्मिंग पर भी मीटिंग्स अटेंड होती हैं, बड़े बड़े इसमें देश हैं मेंबर बने हुए हैं G21 में, पूरे देश मतलब पूरे संसार के बड़ी बड़ी ताकतें हमारे दिल्ली में मौजूद थी और हमें गर्व है हमारे इतिहास पर, हमारे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पर, कि इसके अध्यक्षता करने का भारत सरकार को भी क्या मिला, मौका मिला। तो G20 से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखा दिए हैं। इस्टेब्लिश ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इस्टेब्लिश कब हुई थी, 26 दिसंबर 1999 को, याद रखना। G20 का जो गठन हुआ था वो 26 दिसंबर 1999 में हुआ था और सबसे पहले G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो ऑर्गेनाइज हुआ था अमेरिका के अंदर। तो याद रखना पहली बार कहाँ हुआ था, अमेरिका के अंदर। तो हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, पहली बार कंडक्ट हुआ अमेरिका के अंदर। तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के अंदर पहली बार G20 हुआ, मतलब फर्स्ट जो G20 की बैठक हुई थी वो अमेरिका में कंडक्ट की गई थी, याद रखना। कोरोना से पहले जो हुई थी G20 बैठक 2018 में, ये भी पूछा सकता 2018 में कहाँ हुई थी, अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में कंडक्ट हुई थी 2018 की बैठक कोरोना के समय पर, कोरोना से पहले की बात। और 2019 की बात करें तो इटली में हुई थी। तो ये कुछ कोरोना से पहले की है और कोरोना के बाद की मैंने डिस्कस कर दी क्योंकि बाली में हुई थी। अब उसके बाद हुई है कहाँ पर, हमारे दिल्ली में प्रगति मैदान बन गया भारत मंडपम। तो बहुत बड़ी बात है जब यहाँ पर सबसे पहले जो बाइडन साहब की सिक्योरिटी से पर्पज सारी चीज़ें देखी गई थी और पहले ही CIA आ चुकी थी, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खुफिया ब्यूरो पहले ही तैनात थी। लगभग 60 गाड़ियों का काफिला जो बाइडन साहब लेके आते हैं अपने साथ और खुद की कमांडो फोर्स लेके आते हैं और ITC बॉर्डर को भी बुक कर लेते हैं जिसमें 400 कमरे होते हैं, डायरेक्ट उन कमरों में डायरेक्ट लिफ्ट खुलती थी जो बाइडन साहब की। तो ग्रेट मूवमेंट था जो बाइडन साहब का, लेकिन वो हमारे इंडिया में 2 दिन ही स्टे किया, तीसरे मीटिंग में वो शामिल नहीं हो पाए थे। जो मैं आपको बताऊँ, वन फैमिली, मैंने वन अर्थ बताया है, अर्थ और फैमिली,
फैमिली और फ्यूचर, ये तीन थे। दो मीटिंग तो एक दिन में हो गई थी, एक दिन में हो गई थी। थर्ड मीटिंग में बाइडेन साहब शामिल नहीं हो पाए थे और उनको वियतनाम जाना पड़ा। याद रखना, थर्ड मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए, मतलब फ्यूचर में शामिल नहीं हुए। अर्थ और फैमिली में वो शामिल हुए थे, यहाँ शामिल नहीं हुए। वियतनाम जाना पड़ा क्योंकि वियतनाम से फ्लाइट थी उनकी 9/11, वहाँ उल्टा चलता है, हमारे यहाँ क्या है 11/9, लेकिन वहाँ 9/11 है, अपोजिट होता है। 9/11 में जो सोल्जर्स मारे गए थे उनकी बरसी थी, इसलिए अमेरिका को पहुंचना था, अमेरिकन राष्ट्रपति को अमेरिका पहुंचना था, इसीलिए वो तीसरी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सबसे लेट आए थे G20 में कौन से मेहमान, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों। याद रखना, G20 में जो लेट आए थे कुछ कारणवश से, वो आए फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के प्रेसिडेंट। याद रखना, फ्रांस के प्रेसिडेंट वो लेट आए थे G20 में। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है पहले कौन चले गए, लेट कौन आए थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों, एमैनुअल मैक्रों ये थोड़ा लेट आए थे। एक बैठक हो चुकी थी अर्थ की, उसके बाद वो सेकेंड और थर्ड में पार्टिसिपेट किया था एमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति साहब ने। और जस्टिन ट्रूडो साहब की जो फ्लाइट थी वो 11 को ही थी, लेकिन कुछ एरर आने के बाद जस्टिन ट्रूडो, जो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, कौन सा राष्ट्रपति कहाँ का है, नाम भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ। जस्टिन ट्रूडो ये राष्ट्रपति हैं कनाडा के, याद रखना। इनके भी प्लेन में कुछ एरर आया था, इसलिए दिल्ली में इनका प्लेन फंसा रहा कुछ कारणवश से, और इसके बाद फिर वो हमारे एयरफोर्स से ही, प्लेन से ही वो कनाडा की तरफ रवाना हुए, जस्टिन ट्रूडो। मतलब लास्ट जो गए हैं वो जस्टिन ट्रूडो ही गए हैं, कुछ एरर की वजह से फंस गया था एरर, इस वजह से लास्ट जस्टिन ट्रूडो ही कनाडा के लिए रवाना हुए थे। तो कनाडा का रैंक वैसे देखा जाए वो सेकंड रैंक है एरिया में, कनाडा बहुत बड़ा है। और G20 में जो शामिल नहीं हुए गाइस, वो क्वेश्चन भी हम लोग लिख सकते हैं। अब G20 में कौन नहीं आया तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कौन से देश शामिल नहीं हुए थे, मतलब शामिल उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं हुए थे। मैं आपको बता देता हूँ, उनका डेलीगेशन में आए तो थे, जैसे कि चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आए थे, प्रेसिडेंट ने क्विट कर दिया था G20 में, लेकिन इन्होंने वहाँ के PM साहब को भेजा। PM का नाम था ली क्यांग, इम्पोर्टेंट रहेगा, ली क्यांग उपस्थित थे इनकी तरफ से। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट नहीं आए, उनके जगह पर कौन आए, ली क्यांग आए, चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई G20 के अंदर, याद रखना। अब उधर से रशिया भी नहीं आए, अब रशिया क्यों नहीं आए चाइना के शी जिनपिंग क्यों नहीं आए, क्योंकि जब चाइना के शी जिनपिंग बाली इंडोनेशिया आ सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं आए, क्योंकि हम सबको पता है क्योंकि चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को मैप पर दिखा दिया है, न्यू मैप कंट्रोवर्सी रहा है, इसलिए चाइना ने हमारे G20 को बॉयकॉट कर दिया और अपना डेलीगेशन किसे भेजा, चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग को भेजा था। ये पॉइंट होगा, समझ में आना चाहिए। रशिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन साहब, वो भी एब्सेंट रहे, क्यों, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन साहब, रशिया और यूक्रेन का वार आज भी चल रहा है, 2 साल होने आ रहे थे लेकिन वार अभी तक नहीं थम रहा है, बहुत बड़ा इशू है रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से। रशिया के प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं थे, उनकी तरफ से विदेश मंत्री आए थे, फॉरेन मिनिस्टर भेजे गए थे, याद रखना। सर्वानंद, उनका नाम है सर्वानंद, रशिया के विदेश मंत्री, वो यहाँ प्रेजेंट रहे थे लेकिन व्लादिमीर पुतिन साहब नहीं आए थे, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर यूक्रेन का वार चल रहा था, इंटरनल एक्सटर्नल जो इमरजेंसी थी उस बेस को रशिया और चाइना और साथ में मैक्सिको भी एबसेंट रहा। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो खुद के राष्ट्रपति नहीं आए, बाकी इन्होंने डेलीगेशन में भेजा था किसी न किसी को रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन खुद नहीं आए थे, खुद का चेहरा नहीं था, अपना कोई ना कोई डेलीगेशन वहाँ प्रेजेंट रहा साइड करने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये गाइस
बहुत लंबा मतलब मैंने नहीं खींचा है। बाकी अगर मैं रशिया के बारे में बताऊँ क्यों लड़ाई हो रही है वो अलग एक वीडियो बन जाएगा। यहाँ तक मैंने G20 से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं 15-20 मिनट का।